हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऑडिट के अमेंडमेंट पार्ट टू के बारे में, और आप उससे बहुत एंजॉय करेंगे, पक्की बात है। छोटी सी अमेंडमेंट है सर, इसी के साथ से हमारे ऑडिट की जो अमेंडमेंट्स हैं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा सर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल आप लोगों ने सर अमेंडमेंट की एक वीडियो देखी थी, मुझे उम्मीद है कि सर आपने देखी होगी, जिसमें सर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हमने कवर करी थी। सेक्शन 140 के ऊपर हमने बातचीत करी थी, 143 के ऊपर हमने बातचीत करी थी। आज हमारा मेजर टारगेट रहेगा सर 147, और ये सेक्शन किससे डील करता है, आई होप आप सबको पता है। ये सेक्शन मेजरली पेनल्टीज से डील करता है, और सर पेनल्टीज में क्या बदलाव आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ इस चार्ट की मदद से। ये चार्ट कहाँ मिल जाएगा, आई होप आप लोगों को पता है कि सर ये जो चार्ट है आप लोगों को अवेलेबल रहने वाला है कहाँ पे, EDU 91 जो हमारी ऐप है वहाँ पे। तो जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए, और सर ये दोनों वीडियोस अगर अमेंडमेंट की आप देखना चाहते हो वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई है, वो कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, तो अब हम लोग सर बात करते हैं अमेंडमेंट क्या ही है। सेक्शन 147 से पूरा हिला के रख दिया इन लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको समझना है और हम लोग एग्जाम में कर ना पाए। इंपॉर्टेंस की गाइस अगर आप लोग बात करते हैं सर, इंपॉर्टेंस जो है इसकी है 5 स्टार। मुझे ऐसा लगता है कि सर 90% चांस है, और फिर बोल रहा हूं अगर किसी ने एग्जाम के बाद आके बोला ना सर ये देखो आपने बोला था और नहीं आया, भाई सब लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे बिरे, सही बता रहा हूं मैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई 90% चांस है, 90% 100% श्योरिटी सर कोई नहीं दे सकता, लेकिन 90% चांस है कि इसमें से आपको सर एक आधा क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ज़रूर 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 मिलना चाहिए, या आपसे इन जनरल भी सर इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ 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 इस बात को माइंड में रखिए कि सर ये हम छोड़ेंगे नहीं, करके जाएंगे अच्छे तरीके से। तो 147 बेसिकली पेनल्टी से डील करता था जो सर कंपनी और ऑडिटर्स के ऊपर लगती थी। ऑडिटर्स वाली पेनल्टी में जो है सर काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं इन्होंने, बहुत ही बढ़िया चेंजेस हैं। कल मैंने एक बेस डिस्कस भी किया था कि सर ऑडिटर के ऊपर इतनी पेनल्टी मत लगाओ कि उस बेचारे की 10-10, 15-15 साल की ऑडिट फीस ही पेनल्टी के रूप में चली जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए 147 सबसेक्शन 2 में जहाँ पर था सर के अगर ऑडिटर कोई भी प्रोविजन जो है कंट्रोवीन करता है अंडर सेक्शन 139, 143, 144, 145, तो सर ऑडिटर को जो है फाइन लगाते थे, और वो फाइन कितना होता था, मिनिमम 50,000 रुपये होता था, विच विल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपी अब और 4 टाइम्स द रेमुनेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। तो यहाँ ये जो अमेंडमेंट है, ये पोर्शन है जो गाइज, ये है अमेंडमेंट का जिसको अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये पोर्शन है सर जी अमेंडमेंट का कि मैक्सिमम लिमिट दे दी गई कि आपके ऊपर 139, 143, 144, 145 कॉन्ट्रावेन करने के लिए जो 50,000, 5 लाख वाला आपके पास फाइन था, अब सर जो है जो वो अमाउंट है सर उसको हमने जो है लॉक कर दिया है, और वो 4 टाइम्स द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर से ऊपर जो है नहीं जा सकता है, राइट। तो सही है भाई, ऑडिटर की जितनी रेमुनरेशन है ठीक है, उससे 4 गुना आप लोग पेनल्टी लगा दो उसके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ओके। अब वहीं उसी पॉइंट में 147 सबसेक्शन 2 के अंदर एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोविजो प्रोविजो जो भी आप कहना चाहते हैं, ये आपको पहले से आपने पढ़ा हुआ होगा, उसकी भी पेनल्टी के अंदर चेंज है। जहां फ्रॉडलेंट मैनर में बिहेव किया ऑडिटर ने, विलफुल डिफॉल्ट किया ऑडिटर ने, वहां पे सर ये जो अमाउंट है 50,000 बट विच में एक्सटेंडेड टू 25 लाख रुपीज, और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। सो अगर ऑडिटर से सर कॉन्ट्रावीन हो गया, गलती से कॉन्ट्रावीन हो गया, तो सर जी आ जाओ 4 टाइम्स तक आपको लगेगी, और अगर सर विलफुली किया है तो 8 टाइम्स तक जा सकती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि सर ये जो है ये अमेंडमेंट्स क्यों की गई है, इसलिए की गई है कि भाई ऑडिटर के ऊपर इतना फाइन लग जाए कि वो बेचारा सालों साल की ऑडिट फीस अपनी खो दे, राइट। तो इसलिए 4 टाइम्स और 8 टाइम्स को भी सर एक जो है बेंचमार्क बना दिया गया कि ठीक है 50,000 एक्सटेंड यहाँ तक हो सकता है, लेकिन याद रखिए कंपेयर करेंगे 8 टाइम्स से विच एवर इज लेस, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे 4 टाइम्स से विच एवर इज लेस, ओके। देन गाइज 147 सबसेक्शन 3, यहाँ पे सर एक छोटी सी अमेंडमेंट कि भाई ऑडिटर सर अगर ऑडिटर को सबसेक्शन 2 में पकड़ा गया यानी कि उसने गड़बड़ करी तो वो रिफंड तो करेगा ही रेमुनरेशन, साथ ही साथ में डैमेजेस पे करेगा। अब डैमेजेस किस किस को पे करता था पहले, वो पे करता था कंपनी को, स्टैचुटरी बॉडीज को और अथॉरिटीज़ को, अब यहाँ पे सर डाल दिए गए और टू मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जिन्होंने उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई किया, और सर उन्होंने
उसकी वजह से नुकसान खाया, और अब सर उन मेंबर्स और क्रेडिटर्स को भी जो है कॉम्पनसेशन जो है मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल सर काफ़ी लॉजिकल है ये पॉइंट सर, आपसे ट्रू फॉल्स में अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मेंबर्स को भी देना पड़ेगा और क्रेडिटर्स को भी देना पड़ेगा। दिस इज द अमेंडमेंट पोर्शन, लेट मी मार्क इट वंस अगेन। कहाँ पे आई अमेंडमेंट, ये देखिए बोल्ड और अंडरलाइन वाला जो पोर्शन है इस पूरे चार्ट में वो अमेंडेड है। ओके, बाकी सारी बातें वैसे की वैसे पुरानी ही हैं। तो पहले वो सिर्फ डैमेजेस किसको पे करता था, कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, अथॉरिटीज़ को, लेकिन अब सर उसे डैमेजेस और किसको पे करने पड़ेंगे, मेंबर्स को। मेंबर्स आई होप आप लोग समझते हैं, और साथ ही साथ में किसको, क्रेडिटर्स को। ओके, फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग पर्टिकुलर मेड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, तो सर जो भी उसने गलत चीज़ें लिखी ऑडिट रिपोर्ट में उसकी वजह से जो लॉस हुआ अब वो ऑडिटर को बियर करना पड़ेगा, और सर इन सब लोगों को जो है डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। 147 सबसेक्शन 5, मित्रों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बात हो रही है ऑडिट फर्म के बारे में जहाँ सर ऑडिट फर्म इन्वॉल्व थी और पार्टनर या फिर पार्टनर्स फ्रॉडलेंट मैनर में बिहेव कर रहे थे, वहाँ पे अगर जेल जाने की बात आएगी तो सारे पार्टनर नहीं जाएंगे, वही पार्टनर या पार्टनर्स जाएंगे जिन्होंने सर जो फ्रॉड के हिस्सेदार थे, जिन्होंने सर फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से सर फ्रॉड हुआ। राइट, फिर से बोलता हूँ, अगर ऑडिटिंग जो ऑडिटर है वो ऑडिट फर्म थी और वहाँ पे फ्रॉड किया ऑडिट फर्म के कुछ पार्टनर ने, पार्टनर्स ने या किसी एक पार्टनर ने, तो जब जेल जाने की बारी आएगी यानी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, इम्प्रिजनमेंट की बात आएगी, मैं यहाँ ये नहीं पढ़ा था कि इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी क्या होगी, वो सब पुराना का पुराना ही है, बस यहाँ पे एक ये क्लैरिफिकेशन है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिट फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी अदर देन फाइन, फाइन तो पूरी फर्म पे लगेगा, अदर देन फाइन द कंसर्न्ड पार्टनर और पार्टनर्स, कौन द कंसर्न्ड पार्टनर्स और पार्टनर्स हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड और एज द केस में बी कोल्यूडेड इन अ फ्रॉड शैल ओनली बी लाइबल। सो हु विल बी लाइबल, सर वो पार्टनर्स, वो लोग, वो पापी जिन्होंने एक्चुअली फ्रॉड किया या फ्रॉड करने में किसी की मदद करी, वही लोग हैं सर जो जेल जाएंगे एज पर सेक्शन 147 सबसेक्शन 5। राइट, तो ये थी सर कौन से सेक्शन की अमेंडमेंट, जल्दी से बुझाओ मुझे, सेक्शन 147 की। आई होप आप लोगों ने सर इसे एंजॉय किया, चार्ट सर आप लोग अगर ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ना, तो प्लीज़ जाइए और ऑडिट के सर ये कंप्लीट चार्ट्स और वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं हमारे ऐप पे EDU 91, और वहाँ पे सर जाके आप लोग एंजॉय कीजिए सर स्टडीज़ को, ठीक है। और ऑडिट का एक मॉक टेस्ट भी आ रहा है, यस ऑडिट का एक मॉक टेस्ट भी आ रहा है 6 तारीख को, पूरा 100 नंबर का पेपर है सर आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसमें आपको सर एक खास बात क्या मिलेगी, 200+ उसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, तो एक तो फुल फ्लैश 100 नंबर का पेपर होगा ही होगा, और बोनस ये है कि सर 200 आपको ट्रू और फॉल्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिन्हें सर आप कर पाएंगे, देख पाएंगे, और आपको वहाँ पे ऑटो मार्क्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे हर ट्रू फॉल्स का एक मार्क्स होगा, और सर आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स भी जो है वहाँ पे अलॉट करेंगे। राइट, सो एंजॉय कीजिए सर सारी फैसिलिटीज़ को, और बस जुड़े रहिए साथ में। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।